आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में तैयारियां जोरों पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी बड़ा बयान सामने आया है। आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है। 18 जनवरी को होने वाली चंडीगढ़ का मेयर चुनाव इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव होगा। हमारा मानना है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव इंडिया गठबंधन की बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेगा। यह इंडिया गठबंधन का पहला चुनाव है और यह चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह कन्याकुमारी तक जाएगा। हमेशा से ही भारतवासियों ने इंडिया को जिताया है। हमारा मानना है कि 18 जनवरी को मेयर चुनाव भी इंडिया को ही जिताएंगे। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। साथियों, इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है, पहला मैच खेलने जा रहा है। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस आम चुनाव, इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि जीत दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन का ये जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा।